बंदर की खासियत होती है, क्या खासियत होती है, नकलची होता है। ऐसा नकलची होता है अगर किसी को दाढ़ी बनाते हुए भी देखेगा ना, और उसके हाथ में शीशा और उसरा पड़ जाए तो काट देगा। और ये बाप बुद्धिमान बच्चों को पसंद नहीं करता, दिल वाले बच्चों को पसंद करता है। और किसी की याद बार बार आए, ना चाहते हुए भी बार बार याद आए तो क्या करना चाहिए, कारण को ढूंढना चाहिए। ये क्या कारण है कि हम जिसको भूलना चाहते हैं, हमारी बुद्धि कहती है कि भूल जाए, कभी याद ना आए, लेकिन उसकी बार बार याद आ रही, तो इसका कारण क्या हुआ? अरे कुछ कारण हुआ, बनाए कारण कौन बनाता है, हम ही कारण बनाते हैं। तो उसकी गहराई में जाओ, हमने क्या कारण ऐसा बनाया जो हमारी बुद्धि बार बार नहीं जा रही है, क्या कारण हुआ? लगाओ लगाए, जो हमने लगाव लगाया है, अटैचमेंट लगाया है, उस अटैचमेंट को क्या करना पड़े है, चालू रखना पड़े या डिटेच करना पड़े? डिटेच करना पड़े। डिटेक्ट करने के लिए तरीका बताया मुझे कि अगर कहीं बुद्धि जाती है बार बार किसी देहधारी में, तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। क्या इतना डिटेक्ट होने की प्रतिक्रिया पक्की कर दें कि मुंह भी ना देखें, ऐसा हो सकता है? हैं? ऐसा हो सकता है? हैं? एक ही घर में रहेंगे, एक ही गांव में मोहल्ले में रहेंगे, और जहां अटैचमेंट लग गया है वो बार बार सामने आएगा तो देखना बंद कर देंगे क्या? हैं? अरे दृष्टि जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी बाबा से, तो 10-20-50 भूले तो रोज ही करते होंगे, तो फिर क्या करें? देखते हुए भी ना देखें, हैं? देखते हुए भी ना देखें, इसकी ताकत आई है, याद में रहे, याद में रहे, रह पाए 70 साल हो गए, प्रैक्टिस चालू है, हैं? प्रैक्टिस चालू है बाबा, प्रैक्टिस चालू है। वो तभी संभव है जब वो स्थान ही छोड़ दे, क्या उस व्यक्ति का संग ही सदा काल के लिए छोड़ दे, तो ये संभव होगा या कि नहीं होगा? सब संभव हो जाएगा, लेकिन दिल अंदर से वित-वित करती है। बाबा का डायरेक्शन फॉलो करने के लिए पूरा होता नहीं है, क्योंकि माया दिल अंदर वित-वित कराती है, तो न स्थान को छोड़ेंगे और न व्यक्ति को छोड़ेंगे, कारण खत्म नहीं होगा। एक बार भी मुंह देख लिया तो सौगुना पाप चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अरे चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा, क्योंकि बाप की जो श्रीमत है उस श्रीमत के बरखिलाफ आचरण किया। अगर सौगुना पाप चढ़ेगा तो दोबारा फिर देखने की दिल होगी कि नहीं है? कसाई होता है, है? कसाई के घर में पैदा हुआ बच्चा गाय काटने को पाप मानता है या नहीं मानता है? नहीं मानता है।
ये संस्कार उसने पूर्व जन्म में कभी धारण किया है या नहीं किया है? किया है। तो जो संस्कार धारण कर लिया एक बार और उसको बार बार दोहराया तो पक्का होगा या कच्चा होगा? भक्ति मार्ग में तो एक गुना पाप करता है और ज्ञान मार्ग में 100 गुना पाप करता है। क्या ज्ञान मार्ग में 100 गुना पाप करता है? तो जो संस्कार है वो अटैचमेंट के बढ़ेंगे या घटेंगे? और भी ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। फिर प्रश्न पैदा होता है, क्या जो अभी प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? हम इतना चाहते हैं फिर भी चाहते हुए क्यों नहीं होता है? अरे संस्कार पक्के पड़ गए। 63 जन्मों में उतने संस्कार पक्के नहीं पड़ते हैं जितने है? इतने ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया में संस्कार पक्के होते हैं। और बीके वालों को ज्ञान सुनाते हैं, सुनते नहीं? नहीं सुनते हैं। उसके बाद वो फिर कहते हैं ज्ञान दे देते हैं, वो दूसरा 20 दिन आ जाना। और फिर वो फोन भी नहीं उठाते, बात भी नहीं करते, तो उनके पीछे पढ़ना चाहिए नहीं? बाबा ने एक ही वाक्य में इस बात का जवाब दे दिया, जो तुम्हारे कुल का होगा वो ज्ञान की 2 बातें भी सुनेगा तो अटैच हो जाएगा। क्या वो उसे प्रेस करने की दरकार नहीं है? तुम्हारे कुल का होगा तो उसका ज्यादा मेहनत करने की दरकार है, 2 बातें सुनेगा क्यों उठ जाएगा? तुम्हारे कुल का नहीं होगा, तुम सुनाते रहो, रोज निमंत्रण देते रहो, सारा लेटर सारी सीढ़ियां उठा के उसे दे दो, सामने बैठ करके सुनता रहेगा, तुम्हें लगेगा बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, है? लेकिन अंदर से एक और बाहर से दूसरा है। इस ब्राह्मण परिवार में जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, गुरु ने बोला वो बहुत खौफनाक और खतरनाक है। ऐसों के संग में ज्यादा आना भी नहीं चाहिए। क्या उनको जबरदस्ती बुला बुला करके कि बड़ा ब्राह्मण कुमार है, दुनियावी तौर पे इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, मिनिस्टर है, कलेक्टर है, बड़ा ऊंचा ऑफिसर है, है? बहुत तेज पुराना ब्रह्मा कुमार है और तुम उसके पीछे ही पड़ जाओ तो मान लो समझ भी जाएगा, सारा तुमने सुना दिया, आ भी जाएगा तुम्हारे नजदीक, लेकिन आखिरी वो तुमको धोखा दे के गड्ढे में डालेगा, जयचंद बनेगा नहीं बनेगा, वो धोखा जरूर देगा, क्योंकि वो हमारे कुल का नहीं है। इसलिए दान भी उपास्य को देख करके देना चाहिए। संदेश तो बाबा सभी को देना है, संदेश तो सभी को देना है। दे दिया ना संदेश, भगवान साकार में सृष्टि बढ़ाया हुआ है, पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। 3 संदेश की बातें हैं, संदेश के साथ साथ 2-2, 3-3 प्रूफ देते जाओ। हमारे कुल का होगा तो संदेश भी उठा लेगा और प्रैक्टिकल में चल भी पड़ेगा। अब उसके हम पीछे ही पड़ गए
तो पुष्करणी ब्राह्मण बनेगा या सारस्वत बनेगा? पुष्करणी ब्राह्मण बनेगा। धक्का देकर की जो गाड़ी चलाई जाती है वो पुरानी तमो प्रधान गाड़ी होती है या सतो प्रधान गाड़ी होती है? तमो प्रधान पुरानी गाड़ी है। क्या रोज रिपेयरिंग में पैसे खर्च करते रहो, ताकत खर्च करते रहो। ऐसा मुरली में कोई माँ बाप के आता है कि बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो किसी ने लिख दिया है? चलो रखेंगे, नाम तो कुछ बताएगा नहीं, हैंड राइटिंग है। और बाबा जो बीते वाला जैसे संदेश देने से नहीं आता है तो फिर वो धर्मराज जी के डंडे खाएगा। लोगों धर्मराज जी के डंडे खाएगा। जो नहीं आता है, जो नहीं समझता है, वो धर्मराज के पहले डंडे खाएगा। कि जो समझ करके बैठे हुए हैं और उल्टे उल्टे चल रहे हैं वो पहले धर्मराज के डंडे खाएगा। चलो खाएगा, मैं तो उसकी बात कर, जो नहीं आ रहा है वो खाएगा ही। सौ गुना बोझा किसके ऊपर पड़ेगा? जिसने एडवांस समझा हुआ है उसके ऊपर सौ गुना बोझा चढ़ेगा, या जिसने बाप को पहचान ही नहीं उसके ऊपर सौ गुना बोझा चढ़ेगा। पहचान लिया फिर नहीं आता है तो उसको भी तो धर्मराज के डंडे पड़ेंगे। तो मैं तो इस बार इतना पूछना चाहता हूँ, धर्मराज तो उनका ही बंदा है जी। क्या धर्मराज को उनका धर्मा बाबा धर्मा को नहीं छोड़ता हूँ तो ये इनका ये कहना है कि ब्रह्मा बाबा जो है वो विधर्मियों के ही है। ब्रह्मा बाबा हमारे नहीं हो सकते। लेकिन क्या ये सत्य है कि माँ जो होती है वो छोटे बच्चों की होती है, बड़ों की नहीं होती? अभी तो उनके साथ है, अभी ज्यादा उनके साथ दिखाई पड़ रही है आपको। आप उनको देखते हैं क्या? है? माने वो आत्मा राम वाली आत्मा के साथ नहीं है? तो है, है? यहाँ तो है, लेकिन उनसे तो ज्यादा बातें करते हैं, हमसे बात आप खुद नहीं करते। अरे वहाँ सीजन में 4 से 10 बार 25 बार आ जाते हैं और तुम्हारे पास लगातार सर्विस चल रही है उस आत्मा की, या सीजन में 10-20-25 बार जो आ जाते हैं उतनी सर्विस चल रही है? लगातार चल रही है। ऐसी क्यों समझते? जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि हो जाएगी, काटा पड़ेगा। बाबा आत्मिक स्टेज और निराकार स्टेज में क्या फर्क है? आत्मिक स्टेज में और निराकार स्टेज में? आत्मिक स्टेज में भी बिंदु मन की आंखों से दिखाई दे, तीसरा नेत्र जो है, जो बुद्धि का तीसरा नेत्र मिला हुआ है, उससे हमें क्या दिखाई दे? बिंदु ज्योति बिंदु आत्मा दिखाई दे, और कुछ भी दिखाई न दे, तो निराकारी स्टेज कहेंगे या साकारी स्टेज कहेंगे? निराकारी स्टेज। आंखें भले खुली हुई हो, लेकिन आंखें खुली हुई होते हुए भी क्या देखने में आगे? पहले तो अपनी आत्मा बिंदु देखने में आप सुने। गुरु नानक का चेहरा ध्यान से देखो, क्राइस्ट का चेहरा ध्यान से देखो, महात्मा बुद्ध का चेहरा ध्यान से देखो, क्या दिखाई पड़ता है? वो इस दुनिया से देख, इस दुनिया को देख रही है उनकी आंखें, या इस दुनिया से उपराम है? निराकारी स्टेज है। तो ऐसी निराकारी स्टेज हमारी भी होनी जरूर है। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार और वो निराकारी स्टेज में सिर्फ बिंदु आत्मा ही दिखाई दे, चाहे अपनी हो चाहे चाहे दूसरे। ऐसे नहीं कि बाप की याद है तभी निराकारी स्टेज बन सकती है। बाप की याद है तो और भी अच्छी बात, लेकिन अपनी आत्मा का ही चिंतन है, दूसरा कोई चिंतन नहीं चल रहा है, आंखें खुली हुई है,
लेकिन जो भी आंखें खुली हुई है वहां का वहां बुद्धि जा ही नहीं रही, तो निराकारी भी स्टेज कहेंगे। और लंबा चौड़ा लिख दिया है, पहला वाक्य है पतित तो बनना है, मुरली में एक वाक्य आया है पतित तो बनना है, वो तो कायदा है इस पतित दुनिया का, क्या कि ऐसा तो कोई है नहीं जो पतित न बनता हूं, पतित तो बनना है वो तो इस दुनिया का पतित दुनिया का कायदा है कि पतित बनना है, परंतु एक के साथ पतित बने, क्या अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदे। तो प्रश्न इन्होंने दिया है कि वो एक कौन, वो हमें नहीं दिखाई पड़ता, हमारी आंखें तो अंधी हो गई, हम धृतराष्ट्र की औलाद अंधे हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं क्या वो एक कौन। अरे क्या जवाब आना चाहिए हैं? हैं? किस बात में डिफरेंस? आपका भी यही प्रश्न है, लिखा है उसका भी यही प्रश्न है और वो भाई का भी यही प्रश्न है, क्या पतित तो बनना है बाबा, ये बोल रहे हैं जो जानने की जरूरत ही क्या है, क्या ये बनना जरूरी है, जानने की जरूरत ही नहीं किसके साथ बना जाए, ये जानने की जरूरत ही नहीं है, जानने ही क्यों नहीं, ये बात जानने ही क्यों, जानने की जरूरत नहीं है क्यों बड़े माने प्रैक्टिकल में किसी का संग करण नहीं कर रहे हैं, आंखें किसी को देखती नहीं है सुबह से शाम तक, है देखती है, क्या किसी के साथ रहते नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन में कार्य व्यवहार नहीं निभाते हैं, निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, निभाते हैं। इस पतित दुनिया में रह करके संग का रंग लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो जब लग रहा है हमें ये महसूस हो रहा है तो ये सोचना पड़े कि नहीं सोचना पड़े, क्या इसका संग करें, बाबा ने तो कहा है क्या कि पतित बनना है वो तो कायदा है, पतित दुनिया में पतित तो बनना ये कायदा है पतित दुनिया का, परंतु क्या लगा दिया एक के साथ पतित बने, तो हाँ बुद्धि नहीं चलेगी ब्राह्मण की, इसके साथ पतित बने है पूजा पिता के साथ, क्यों बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा की गोद में कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसकी गोद में आए, चुप रहो किसकी गोद में आए, तो बाबा बताते हैं अगर बच्चा कहता है हम ब्रह्मा की गोद में आए तो फेल या पास, तो फिर अगर बच्चा कहता है कि हम शिव बाबा की गोद में आए, इससे साबित होता है कि उस बच्चे की बुद्धि में शिव देखने में आ रहा है, जो बाजू में पतित आत्मा बैठी है वो देखने में नहीं आ रही, बाबा साकार में तो चलिए ना, अरे ब्रह्मा साकार में नहीं है, जब ये प्रश्न किया और उसका जवाब दिया मुरली में तो ब्रह्मा साकार में नहीं था, और अम्मा तो और ज्यादा साकार होती है, बाप तो फिर भी कभी निराकार भी होता है और कभी साकार भी होता है, शंका हाँ। प्रश्न यहाँ पर ये नहीं है, प्रश्न मूल ये है किसका संग करें, प्रश्न आया है वो एक कौन जिसका हमें संग करना है पतित बनना है, वो एक कौन है, तो क्या मुझे बता रही है, अरे बोलो तो क्या मुसीबत आ गई है, क्या मुसीबत ये आ गई कि श्रेष्ठ जन्मों में तो उसका संग का रंग हमने लिया ही नहीं है, हमारी आत्मा में
संसार ही कभी नहीं पड़े क्या? क्या संसार नहीं पड़े? जिसका संग लेना चाहिए उसका संग का रंग हमने लिया नहीं, तो संगम युग में प्रश्न पैदा होगा कि नहीं, किसका संग करें? जो बाबा का संग, जिसे हम बाबा कहते हैं वो साकार है या निराकार है? बाबा जिसे कहते हैं उसे साकार है या नहीं? और जो साकार है उसकी आत्मा भी उसमें है या नहीं? तो उस आत्मा का जितने भी बच्चे हैं सबने तेरे जन्म में पूरा संग किया हुआ है? कोई ने जन्म जन्मांतर बहुत संग किया होगा, कोई ऐसे होंगे बजाय संग के रंग में और ये भंग डाला होगा और ये विरोध किया होगा। तो जो वहां विरोध करेंगे 63 जन्मों में वो प्रैक्टिकल में यहाँ क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो उन्हीं की पुष्टि में ये बात अटकी लगेगी, ये बात अटकी लगेगी या अच्छी लगेगी क्या? उसी एक का संग करना है। किसका? प्रजापिता। ये प्रजापिता का ही संग करना है। ये बात अच्छी लगेगी या खराब लगेगी? अब उसको खराब लगेगी, उसको नहीं अच्छा लगेगा। बार बार प्रश्न पैदा होगा। क्या प्रश्न पैदा होगा? एक आराम ज्यादा कौन है जिसका संग करें? देखो बाबा क्या जवाब देते हैं। अरे बाबा तो जवाब दे दिया। क्या जवाब दे दिया? एक शिव बाबा एक लक्ष्मी का तो एक ही साथी है। 21 जन्म भी एक ही साथी है या नहीं है? 63 जन्म भी और 21 जन्म भी, परंतु दूसरा विजयमाला का मणका भी लक्ष्मी के जैसा 84 जन्म एक ही साथी के साथ रहता है क्या? अरे लक्ष्मी 100% साथ रहेगी तो लक्ष्मी का जो साथी मणका होगा वो आधा परसेंट चौथाई परसेंट कम रहेगा। रहेगा तो कि नहीं रहेगा? तो प्रश्न जो किया है कि लक्ष्मी जैसा 84 जन जो एक ही साथी है विजयमाला में, उस एक ही साथी के साथ लक्ष्मी रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं सुन रहे? प्रश्न ये है कि लक्ष्मी के लिए या राधा के लिए ये पक्का है कि एक ही साथी 84 जन्म में पति पत्नी के रूप में साथ होगा, दूसरा कोई साथ नहीं होगा। तो सवाल यह है कि विजयमाला में जो लक्ष्मी है उसके बिल्कुल नजदीक वाला कोई मणका होगा या नहीं होगा? होगा। वो आत्मा लक्ष्मी की साथी बनकर के रहेगी या नहीं रहेगी? किस रूप में? अरे किस रूप में साथी बन के रहेगी? नियम तो ये है
कि 21 जन्म जैसा हिसाब किताब बनता है, 21 जन्म के हिसाब से जन्म का भी हिसाब किताब बनता है। तो 21 जन्म विजयमाला की हेड जो है वो पति पत्नी के रूप में एक के ही साथ रहेगी कि कोई विजयमाला का दूसरा मणका है उसके साथ भी पति पत्नी के रूप में रहेगी, तो एक के साथ ही रहेगी और 21 जन्म भी एक के साथ ही रहेगी। लेकिन यहाँ प्रश्न दूसरा ये पैदा होता है कि 63 जन्म जो बाकी बचे, उन 63 जन्मों में जो विजयमाला का लक्ष्मी के साथ वाला बिल्कुल नजदीक वाला मणका है वो 63 जन्म में भी साथ रहेगा या नहीं रहेगा? अरे अरे यहाँ प्रैक्टिकल जीवन में ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया में जो विजयमाला का नजदीकी मणका है, विजयमाला की हेड के साथ रहने वाला यहाँ साथ रहता है कि नहीं रहता है? अरे क्या, अरे अभी पुरुषार्थ नहीं कर रही है विजयमाला में लक्ष्मी, कर रही है तो उसका कोई साथी मणका, विशेष सहयोगी मणका वहाँ होगा या नहीं होगा? तो यहाँ सहयोगी मणका जो होगा वो वहाँ 63 जन्मों में साथी होगा या नहीं होगा? होगा। तो यही बात यहाँ पूछी गई है कि 63 जन्मों में और 21 जन्मों में वो मणका साथी होगा या नहीं होगा, लेकिन पति पत्नी के रूप में होगा या दूसरे रूप में होगा? दूसरे रूप में होगा न 21 जन्म पति पत्नी का भाव होगा और 63 जन्म में उसके साथ पति पत्नी का भाव होगा। क्योंकि बेसिक में तो यही नॉलेज दी जाती है, तुम ब्रह्मा के बच्चे आपस में क्या हो, भाई 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 करने दिया जाता है, भाई बहन हो। और जो शूटिंग होती है वो शूटिंग स्पेशली मन के संकल्पों के आधार पर होती है या प्रैक्टिकल जीवन में जो साथ रहते हैं उसके आधार पर होती है? संकल्पों के आधार पर होती। तो लक्ष्मी का जो पाठधारी होगा उसकी मन बुद्धि में नारायण के रूप में पति पत्नी का जो भाव है वो साथ वाले मणके के साथ बनेगा या किसी दूसरे के साथ? नारायण के साथ ही होगा। मेरा तो एक युवा दूसरा भी उस मणके के साथ थोड़े ही होगा, पति पत्नी का संबंध बुद्धि में जो साथ में रह करके पार्क बजा रहा है। इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है, रुद्र भक्तों का क्या होगा? है जैसे विजयमाला में जो साथी मणका है, चलो उसका हिसाब समझ लिया, नंबर वार समझा होगा, कोई की घाटी में उतरेगा कोई की घाटी में नहीं उतरेगा। लेकिन दूसरा प्रश्न भी है कि रुद्रमाला का जो साथी मणका होगा होगा कि नहीं होगा? अव्वल नंबर के मणके के साथ जो साथी मणका होगा वो 21 जन्मों में और 63 जन्मों में विजयमाला के अव्वल नंबर मणके के साथ रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ?
रहेगा या नहीं रहेगा? कुछ बोलते हैं रहेगा, कुछ बोलते नहीं रहेगा। आसपास ही मंडराएगा जी। हैं? आसपास ही मंडराएगा जी। हाँ, आसपास ही मंडराएगा तो, लेकिन किस संबंध से मंडराएगा? जो लास्ट जन्म में संबंध है ऐसे ही कुछ होगा। हैं? जैसा लास्ट जन्म में संबंध है, तिरासी में जन्म में जैसे था, जो तिरासी में रुद्रमाला का मंडरा, रुद्रमाला जो रुद्रमाला का दूसरा मंडरा है, वो लास्ट जन्म, लास्ट जन्म में उसका क्या संबंध है? अरे जब एवरलास्टिंग पुरुषार्थ होगा तो उस समय संबंध अंत मते तो गते का होगा कि नहीं होगा? और अंत मते सोई गलती होती है जो पुरुषार्थ के जीवन में लंबे समय तक पुरुषार्थ रहता है, वही गति होती है, कोई दूसरी होती है? वही गति होती है। तो रुद्रमाला का जो दो नंबर का मंत्र है उसका हिसाब किताब अव्वल नंबर वाले के साथ, रुद्रमाला के अव्वल नंबर मणके के साथ और विजयमाला के मणकों के साथ, अव्वल और द्वयम नंबर मणके के साथ एक ही रहेगा या कुछ अंतर रहेगा? ज्यादातर युगल हैं, युगलों की तो बुद्धि नहीं चलती, कुमारों कुमारियों की बहुत बुद्धि चलती है। ये चक्कर में ज्यादा बुद्धि किसकी चलती है? कुमार कुमारियों की बहुत बुद्धि चलती है, बोलते नहीं है कहीं गलत है। एक प्रश्न आया है, भक्ति मार्ग में भारतवर्ष में शिल्पकारों के हाथ काट दिए गए, क्या हाथ काट दिए गए, क्या ये सत्य है? आपको सत्य है कि नहीं? अंग्रेजा काटे हैं? अंग्रेजा नहीं, मुसलमानों ने, मुसलमानों ने काटे, हाथ काट दिए जाते हैं, क्या ये सत्य है? सत्य है तो ऐसा क्यों? तो गलत बात है या ठीक बात है? गलत बात नहीं, हिस्ट्री के हिसाब से बात सच्ची है, लेकिन जो सत्य, जो हिस्ट्री के हिसाब से सच्ची बात है, हिस्ट्री तो सच्ची है, झूठी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो भी हिस्ट्री में हाथ काटने वालों ने हाथ काटने का काम किया, शिल्पकारों का, वो सही काम किया या गलत काम किया? क्यों किया ऐसा है? बिल्डिंग हो या कोई भी काम, कोई दूसरा ना बनाए, क्या मुसलमानों में जब इस्लाम धर्म के बाद मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ तो मोहम्मद ने फरमान जारी किया कि मूर्ति पूजा बंद, क्या मूर्तियां तोड़ दी जाए। शिल्पकार मूर्तियां बनाते थे ना, तो जिन शिल्पकारियों, शिल्पकारों ने मूर्तियां बना ली तो बना ली, फिर उसके बाद अगर कोई शिल्पकार मूर्तियां बनाते थे तो क्या करते होंगे? उनके हाथ काटते थे। तो ये हाथ काटने का काम, ये अच्छा काम किया या बुरा काम किया? बुरा काम किया, वो तो अर्ध की दुनिया की बात होगी। अब ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में ऐसे मुसलमान कौन? क्या ऐसे मुसलमान शूटिंग पीरियड में हुए होंगे या नहीं हुए होंगे?
बीके में कहना ना तो आसान है, लेकिन फिर बताना पड़ेगा ना। जो ब्रह्मा बाबा का फोटो बनाते हैं वो जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले, कान में उंगली देने वाले, अल्लाह मियां को याद करो हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, ऐसे जो मुसलमान हैं वो ब्रह्मा बाबा का फोटो बनाने वालों के हाथ काटते हैं? माने बेसिक नॉलेज में चलने वाले हैं उनमें मुसलमान धर्म की आत्मा नहीं है तो वो हाथ नहीं काटते हैं? आपने बात समझी नहीं ठीक से। माने जो एडवांस पार्टी में बुद्धि से मूर्तियां तैयार कर रहे हैं कि नहीं, ये फर्स्ट नारायण है, ये सेकंड नारायण है, ये थर्ड नारायण बनेगा, ये फोर्थ नारायण बने, ये लास्ट नारायण बनेगा, मूर्तियां तैयार कर रहे हैं कि नहीं है? मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। ये जगदम्बा का पार्ट है, ये लक्ष्मी का पार्ट है, ये नारायण का पार्ट है, तो बुद्धि में मूर्तियां तैयार हो रही कि नहीं हो रही? ये असुरों का पार्ट है, ये जरासंध का पार्ट है, तो मूर्ति तैयार हो रही कि नहीं हो रही ना? तो जो मूर्तियां तैयार करने वाले हैं उनका कंटा काट देते कि नहीं? देश निकाला ही नहीं, हमारे लिए मर गए बिल्कुल खत्म। बहुत बौद्धियों ने या महात्मा बुद्ध ने जो नरबली प्रथा को बंद कराया, इसकी शूटिंग यहाँ कब और कैसे होगी? बात का पहले जवाब दो है? हिस्ट्री में ऐसा हुआ है ना क्या है? हाँ, के महात्मा बुद्ध के आने से पहले अर्पण कराया जाता था, माने मनुष्यों को अर्पण कराया जाता था मंदिरों में, देवदासी देवदास प्रथा चल रही थी, वो प्रथा भी चली और साथ साथ नरबलि की भी प्रथा चली, बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, महात्मा बुद्ध के आने से पहले, महात्मा बुद्ध के आने से पहले ये जो अंधश्रद्धा की बात चली है वो अंधश्रद्धा सबसे जाती इस्लाम धर्म में चलती है, क्रिश्चियन धर्म में चलती है या बौद्धियों में चलती है? इस्लाम धर्म में चलती है। तो मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती थी, यहाँ ब्राह्मण की दुनिया में कैसे होता है? हाँ, हिंदुओं में ही, यहाँ की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, बाहर की नहीं है। तो उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? छोटी कन्या को सरेंडर करती है, छोटी हो या बड़ी हो, ये नहीं कहा कि छोटे बच्चों की ही नरबलि कराई जाती थी,
बड़ों की नहीं चढ़ाते थे? बड़ों की भी चढ़ाते थे, हाँ सभी की चढ़ाते थे। तो यहाँ उसकी शूटिंग कैसे होती है? अरे ब्राह्मणों की संगम हुई दुनिया में जब एडवांस में आ जाते हैं तो जो एडवांस में आने वाले हैं वो अपने बच्चों को जो पहले पक्का कर चुके थे वहां अर्पण कर देंगे। जिनको समझते थे कि ये देवी देवियां देवी देवता बनने वाले हैं उनको अर्पण कर देंगे, वो जैसे चलाएंगे वैसे इनको चलाएंगे। तो देवदास देवदासी बनाने की प्रथा चल रही थी ना। फिर जब एडवांस में बाप की पहचान हो जाती है तो प्रथा बंद हो जाती है, बंद कर देती है या चालू रहती है? बंद कर देती है। ये बुद्धि चलाने की बात हुई। बौद्ध धर्म से कैसे लिंक हुई? बौद्ध धर्म से ये लिंक है कि बौद्ध धर्म हो चाहे संन्यास धर्म हो चाहे सिख धर्म हो चाहे चंद्रवंश हो और चाहे सूर्यवंश हो, ये पांचों वंश जो हैं वो भारतीय हैं, पक्के भारतीय हैं या कच्चे भारतीय हैं? पक्के भारतीय हैं। पवित्रता को ब्रह्मचर्य को महत्व देने वाले हैं। ये पांच पांडवों की कैटेगरी है। उन पांच पांडवों की कैटेगरी में बौद्ध धर्म विदेशियों में सबसे पहला है या बाद का है? विदेशियों के बीच में सबसे पहला। गीता में कहा गया बुद्धिमान नर अर्जुन जो पांचों पांडवों में ज्यादा ज्ञान के बाण कौन चलाता था? तीखे तीखे बाण, तीखी तीखी ज्ञान की बातें किसके तरकस? बुद्ध की तरकस के थी, अर्जुन के तरकस। तो यहाँ ब्राह्मण की दुनिया में वो तीसरा पांडव कौन हुआ? जो ज्ञान को बुद्ध रूपी तरकस में विशेष धारण करने वाला है। महात्मा बुद्ध का बीज रूप क्या? जो महात्मा बुद्ध का बीज रूप होगा वो ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट की ही धारण करेगा। प्रैक्टिकल जीवन में भी धारण करेगा। और जो प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करता है उसकी वाचा का प्रभाव दूसरों के ऊपर जाती पड़ता है। इसलिए बार बोला एक ही भाषण देने से 7,000 निकल पड़े, क्योंकि पवित्रता का पालन शुरुआत में बौद्ध धर्म वालों ने जितना किया है उतना और किसी दूसरे धर्म वालों ने नहीं किया है। द्वापर युग चंद्रवंशी सूर्यवंशी वो तो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए जो भारतीय हैं उन भारतीयों में पक्के भारतीय वो बौद्ध ही हुए जिन्होंने बुद्धि ज्ञान में बहुत चलाई, इतनी बुद्धि चलाई कि स्वर्ग नरक की बातें उन्होंने नहीं उठाई कि ऊपर स्वर्ग होता है नीचे पाताल में नरक होता है। ये बुद्धि की बातें मानने की है या नहीं है? ये बात बुद्धि से मानने की है या नहीं है कि ऊपर स्वर्ग होता है नीचे नरक होता है? है नहीं, नहीं। तो स्वर्ग का भी उन्होंने कोई विश्लेषण नहीं किया, नरक का भी कोई विश्लेषण नहीं किया। वर्तमान जिस दुनिया में रहे पड़े हैं वहीं से सारा ज्ञान उठाया। नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, ये भी उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन जो सिद्धांत है जीवन जीने के, मनुष्य जीवन जीने के, वो सिद्धांत अच्छे बनाए या खराब बनाए, पाप कर्म बनाने वाले बनाए या पुण्य कर्म बनाने वाले बनाए, अच्छे सिद्धांत बनाए।
इसलिए उनको कहेंगे बुद्धिमान। भारतवासियों ने तो अंधश्रद्धा ही अंधश्रद्धा सारी उठा ली, लेकिन बौद्धियों ने अपने सात्विक जीवन में आज में अंधश्रद्धा नहीं उठाई, इसलिए उन्होंने विशेष विरोध किया इस बात का। ये अहिंसा परमो धर्म हम देवदास या देवदासी नहीं बनने देंगे, नरबलि नहीं करने देंगे। जो अर्पण हो रहे हैं देवी देवताओं के प्रति बलि चढ़ाई जा रही है वो हम बलि नहीं करने देंगे। शुक्र हो रही है अभी भी, कोई कच्चे होते हैं क्या? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले होते हैं, अगर उनकी बच्चियां वहां सरेंडर है तो हमारे घर के वहां समझाने के नहीं जाते, यहाँ है भाई वही रहने। अरे बुद्धिमान होंगे तो कोई भी तरीके से कोशिश करेंगे कि उनकी नरबली न चढ़े, और दास दासी में बन करके रहे। भगवान हमको दास दासी बनाने के लिए नहीं आया है, क्या बनाने के लिए आया है? राजा बनाने के लिए आया। बाबा ये सब बीके में हो रही है, ये सब बीके में शूटिंग हो रही है, जब बीके में एडवांस पार्टी में ये नहीं होती है। एडवांस पार्टी में भी लास्ट में होगी जब बाप नहीं होगा। जब बीके में जब तक साकार मौजूद रहे तब तक अच्छी परंपराएं चली या खराब परंपराएं चली? अच्छी परंपराएं चली। जब साकार गया मम्मा बाबा चले गए तब द्वापर युग की कली की शूटिंग होना शुरू हो गई। कोई भी धर्म पिताएं जब तक रहते हैं तब तक सात्विक स्टेज में धर्म की शूटिंग धर्म चलता है, और जब धर्म पिताएं चले जाते हैं और उनके जो केले चपाटे गद्दी पे बैठते हैं वो बात बदल देते हैं। बाबा एडवांस में बाप कहाँ चले गए? एडवांस में बाप कहाँ चले गए? अच्छा एडवांस में बाप जो है भारत में ही नाटक करते रहेंगे। भारतवासियों ने करके तो कुछ दिखाया नहीं है, पहले भी जेल में डाला जाता रहा और अभी भी केस लागू हो रहे हैं किडनैप के और व्यभिचार के बाप के ऊपर, कोई अंतर कर पाया? अरे कोई सेफ्टी हो पाई? कोई सेफ्टी नहीं हो पाई। अभी भी किडनैप के केस लगाए जा रहे हैं और व्यभिचार दुराचार के केस लगाए जा रहे हैं। तो ये सख्यता हो रही है या बाप का नाम बदनाम हो रहा है? क्या हो रहा है? बदनाम हो रहा है। तो फिर क्या करें? तो भारत में ही नाक रगड़ते रहेंगे या जो मुरली में बोला है कि बाप को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? विदेश ही प्रत्यक्ष करेंगे। माता जी बहुत खुश होगी। तो जो बोला है वो तो होना ही होना है, विदेश से आवाज निकलेगी। प्रैक्टिकल पे भी देख लिया कि भारत देश में जो भारत का विदेश है वहां जन्म लेने वालों ने भारत में एडवांस ज्ञान को प्रख्यात किया या उत्तर भारत वालों ने प्रख्यात किया? दक्षिण भारत वालों ने तो प्रत्यक्ष ही किया, उत्तर भारत वालों ने तो नाम ऐसा डुबोया कि अखबारों में रेडियो में टीवी में एकदम मुंह काला कर दिया। गांव वालों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, शहर वालों ने जिले जनपद वालों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। खास उत्तर प्रदेश वालों ने और ही आग लगाई। तो बाप क्या करेगा? हाँ बाबा, बाप विदेश में जाएंगे तो बच्चे यहाँ क्या करेंगे? हैं? बच्चे यहाँ क्या करेंगे?
तो यहाँ क्या करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं? बाप का सहारा लेकर के तो चल रहे हैं। और जो बच्चा 15-20 साल का हो जाए और मुंह से लुलुलुलु करता रहे, रेगड़िया ही पहनता रहे, और बाप का धंधा जो है वो धंधा ना अपना पाए, बोली लौकिक धंधे में ना गड़गड़ता रहे, क्योंकि विदेशी है वो तो बात समझते हैं और क्या करते हैं, हमारी ना फौरन परिवर्तन करते हैं। भारतवासी ऐसे नहीं करते, भारतवासियों का तो अर्पण होने में, बुद्धि को अर्पण करने में हृदय बढ़िया होता है। लंबा 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 लिख के तो समझ पढ़ने के लिए बोल रहे प्रश्न भेजा है, इन्होंने प्रश्न भेजा है उनसे कह रहे सत्यनारायण ही एक सत्य है, तो बाकियों ने ऐसा कौन सा झूठ बोला है? एक सत्यनारायण सत्य है, सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। अच्छा तो सत्यनारायण का ज्यादा नजदीकी कौन होगा, लक्ष्मी, उसकी कथा क्यों नहीं गाई जाती, समझ में ही नहीं आता ये लक्ष्मी की कथा क्यों नहीं गाई जाती है? अरे लक्ष्मी भी तो साथ में है, लक्ष्मी नारायण दोनों का राज गाया जाता है ना, नर से अगर नारायण बनता है तो नारी से लक्ष्मी भी तो बनती है, फिर सत्यनारायण की ही कथा क्यों गाई जाती है, लक्ष्मी की कथा क्यों नहीं गाई जाती? लक्ष्मी ने ऐसा क्या पाप कर्म कर दिया तो पूछा जा रहा है, उसका जवाब दो, उतना खराब काम ऐसा कौन सा कर दिया जो उसकी कथा कथा नहीं गाई जाती है? हेड ऑफ दी फैमिली का नाम ही हेड ऑफ दी फैमिली तो सत्यनारायण हुआ ना, नारायण है ना, हेड ऑफ दी फैमिली तो नारायण ना, उसी का नाम चल रहा है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि लक्ष्मी ने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया जो उसकी कथा नहीं गाई जाती है? घर घर में तो नहीं होती, लक्ष्मी की कथा अगर होती भी है तो लक्ष्मी के जो वंश वाले होंगे, लक्ष्मी माने राधा, तो राधा के जो वंश वाले होंगे वो राधा की कथा करेंगे, राधा को प्रत्यक्षता रूपी जन्म राधा के वंश वाले पहले करेंगे या दूसरे वंश वाले करेंगे? दिवाली में अरे लक्ष्मी की जो पूजा करते हैं वो लक्ष्मी की पूजा सिर्फ एक दिन होती है या होती ही रहती है? लेकिन नारायण की पूजा तो सत्यनारायण की पूजा आए दिन होती रहती है, लक्ष्मी का तो एक दिन पक्का कर दिया दिवाली का दिन, तो ऐसा क्यों है, ऐसा लक्ष्मी ने क्या पाप कर्म कर दिया? बाप को बाद में पहचान दिया, बाप को बाद में पहचान दिया सर। हाँ ये ज्ञान की बात है ना, सत्य सत्य क्यों लगा हुआ है, नारायण से पहले सत्य सत्य क्यों लगा हुआ है? क्योंकि सच्चाई जो है उसको पकड़ने का काम नारायण ने किया है या लक्ष्मी ने किया है? जो सच्चाई को पकड़ेगा वही सच्चाई को पहले प्रत्यक्ष भी कर सकता है,
अगर सच्चाई को पकड़ेगा नहीं तो सच्चाई को प्रत्यक्ष भी नहीं करेगा। और प्रैक्टिकल जीवन में सत्यनारायण ने सत्य को पहचान करके जितनी सत्य की कहानी कथाएं बताई होंगी उतना और कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए सत्य को पहले पहले पकड़ने के कारण और अंत तक सत्य को पकड़ करके बैठने के कारण सत्यनारायण की कथा है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा है। और तो बाबा ने बोल दिया लक्ष्मी भी कुछ ना कुछ झूठी है, वो कुछ ना कुछ झूठी लक्ष्मी को बाबा ने क्यों बोला? सही बात है, बाबा को तो नहीं बोलना चाहिए कि लक्ष्मी झूठी है। अरे सत्य को प्रत्यक्ष करने के लिए सबसे ज्यादा सहयोग किसने दिया है? इस दुनिया में सत्य को प्रत्यक्ष करने के लिए, सत्य बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया? लक्ष्मी। तो बाबा ने लक्ष्मी को झूठ बोल दिया, ऐसे क्यों किया? अरे जब झूठ बोल दिया तब समय कौन सा था? तब लक्ष्मी के सत्य को पकड़ने का टाइम था या झूठ का आश्रय लेने का टाइम था? झूठ को पकड़ के बैठी हुई है तो झूठ को झूठ ही कहा जाएगा क्या कहा जाएगा? जब सच्चाई की स्टेज पे आ जाए तो क्या कहा जाएगा? सत्य है। झूठ के बंधन में तो झूठ ही कहा जाएगा। और नाम भी दे दिया, वीर ध्रुवेन है, डरने वाला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शिल्पा। और बाप पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आया है, बोला है ना? क्या पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने बाप आए। फिर कहते हैं जहां बाप है वहां पाप नहीं। जब पाप बढ़ाने का रहम करते हैं तो दूसरी तरफ पापों का पोता मेल पढ़ करके आधा माफ कर देते हैं, ऐसा क्यों है? आधा माफ तो नहीं करना चाहिए, और भी पाप में पाप बढ़ाने का काम करने आए हैं। दुनिया का तो बात की बात, पहले ब्राह्मण परिवार को देखना है कि पहले दुनिया वालों को देखना है? पहले तो ब्राह्मण परिवार को देखना, ब्राह्मण परिवार के लिए ये नियम बताया कि बाप पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए। तो जब रहम करने आए हैं फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि जहां बाप है वहां पाप नहीं और जहां पाप है वहां बाप नहीं, क्यों कहते हैं? अरे सुप्रीम सोल पाप बढ़ाता है या सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है वो पाप बढ़ा सकता है? है?
उसमें प्रवेश है वो पाप है। उसमें प्रवेश है वो पाप बना सकता है। जो आया है वो पाप बढ़ाने का काम नहीं करता। तो ये बात समझी नहीं है क्या, इसलिए ऐसा प्रश्न आया। अगर ये बात पक्की पक्की समझ में आ जाए कि पाप में पाप बढ़ाने का काम कौन सा पाप करता है, है? है? तो ये प्रश्न पैदा नहीं होगा। इससे जुड़ा हुआ दूसरी बात ये पैदा होती है, जब पाप बढ़ाने का रहम करते हैं तो दूसरी तरफ पापों का पोता मेल पढ़ करके आधा माफ क्यों कर देते हैं? पोता मेल पढ़ करके दुगना और बढ़ा देना चाहिए क्या? आज ही तो बता दिया ऊपर वाला न माफ करता है और न ऊपर वाला बढ़ाता है। ये काम किसका है? हाँ, जो पोता मेल दिया जाता है वो ऊपर वाले को दिया जाता है या नीचे वाले को दिया जाता है? ऊपर वाले को दिया जाता है। ऊपर वाला जानता नहीं है, ऊपर वाला 84 जन्मों की कहानी नहीं जानता है? तो जानता है, उसको देने की न देने की कोई बात नहीं है। जो भी पोता मेल दिया जाता है वो किसकी जानकारी के लिए दिया जाता है? जो साकार है उसकी जानकारी के लिए दिया जाता है। तो साकार के ऊपर जो विश्वास करते हैं आदमाप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोर्ट में जज बैठता है, चोर से जज पूछता है, हत्यारे से पूछता है, तुमने ऐसा किया या नहीं किया? सबसे बाद में पूछेंगे, पहले तुमसे पूछते हैं तुम बताओ, और वो सच्चा सच्चा बता देता है तो सजा कम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ऐसे यहां भी जज को ये विश्वास हो जाता है कि ये डरता नहीं है, क्या ये सच को फॉलो करने वाला है, इसलिए सत्य बताता है। सच तो बिठो न, इसलिए आधा माफ कर देते, इसलिए बोला कि लिख कर देंगे तो आधा माफ होगा। क्यों? मुंह से बोल दिया हमने ऐसा पाप किया, वैसा पाप किया, इतनों की हत्या की, उतनों को बलात्कार किया, ऐसा किया, अब जब कहीं मौका आया तो हमने नहीं बताया, कभी झूठ बोलते हैं सारा गड़बड़ हो गया और ये बाप झूठा हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं? लिख करके देना पड़े तब आधा माफ होगा, नहीं तो आधा माफ नहीं होगा। ने बहुत छोटा सा लिख दिया, बढ़िया किया। कोई को भूख लगी है वो लिख के दे रहा है, साढ़े छह हो गया, दूर वालों को घर जाने में देरी हो गई